बच्चों लोग प्रीवियस क्लासेस में हम लोग लॉग निकालना सीख चुके हैं, ठीक है। तो इस सेशन का अपना पहला फोकस रहेगा एंटी लॉग आप कैसे निकालते हो, एंटी लॉग कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। किसी भी नंबर का हम एंटी लॉग कैसे निकालेंगे, ठीक है। How to find एंटी लॉग, ठीक है। एंटी लॉग निकालने के लिए भी दो दो तरीका होगा। पहला तरीका होगा यूजिंग टेबल। तो फर्स्ट मेथड होगा यूजिंग एंटी लॉग टेबल, और सेकेंड मेथड होगा यूजिंग शॉर्टकट, यूजिंग शॉर्टकट, ठीक है। तो पहले हम टेबल के थ्रू निकालना सीखते हैं एंटी लॉक को निकालना। हम लोग पहले टेबल के थ्रू सीखेंगे और उसके बाद हम लोग सीखेंगे शॉर्टकट अप्लाई करके कैसे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग सीखेंगे यूजिंग एंटी लॉक टेबल, ठीक। तो बच्चों लोग आपके सामने एंटी लॉक का टेबल आप लोग के सामने आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब इस एंटी लॉक टेबल का यूज कैसे करते हैं ध्यान देना। तो ध्यान देना, मान लेते हैं कि कोई नंबर हम ले रहे हैं जिसका मुझे एंटी लॉक निकालना है, ठीक है। चलो मैं कुछ नंबर ले रहा हूं, मान लेते हैं नंबर का जो वैल्यू है उसको मैं लिख रहा हूं, एक सेकेंड, 6.563489, ठीक है। मान लेते हैं इस नंबर का हमको एंटी लॉग लेना है, इस नंबर का मेरे को एंटी लॉग लेना है, तो कैसे काम करेंगे ध्यान देना। सबसे पहला काम क्या करना आपको, इस नंबर का एक इंटीग्रल पार्ट है जो 6 है, इसका इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। और जो 0.56348 है इसका डेसिमल पार्ट है, इसका डेसिमल पार्ट है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल पार्ट हुआ और इसका डेसिमल पार्ट हुआ, ठीक है। अब जो आपको करना क्या है, जो डेसिमल पार्ट है उसको आपको 4 डिजिट में राउंड ऑफ करना है। आपको जो डेसिमल पार्ट है उसको 4 डिजिट में राउंड ऑफ करना है। इसका मतलब अगर इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पार्ट ध्यान देना, ये हो जाएगा 6.5635 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 4 है 4 के बाद 8 है, तो 4 के बाद 5 से बड़ा नंबर है, तो क्या करेंगे 4 को हम 5 में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, डेसिमल पार्ट को आपको 4 डिजिट में राउंड ऑफ करना है, ठीक है। अब ध्यान देना, यानी आपको इस नंबर का एंटी लॉक पता करना है। अब इस नंबर में ध्यान देना, आपके पास 6 है इसका इंटीग्रल पार्ट, और जो 0.5635 है उसका डेसिमल पार्ट है, उसका उसका फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, डेसिमल बोलोगे या तो बोलोगे फ्रैक्शन पार्ट है, क्या है फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक। अब होता क्या है, इसका जो इंटीग्रल पार्ट है यानी हमको निकालना किसका एंटी लॉग है, तो निकालना मेरे को एंटी लॉग है, ये नंबर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपके लिए, 6.5635 का हमको एंटी लॉग पता करना है। सबसे पहला काम क्या करोगे आप, जो 6 है 6 को भेज दोगे 10 का पावर में, तो यहाँ पे हम 10 का पावर ले रहे हैं, 10 का पावर 6 कर दे रहे हैं, यानी सिंपली याद रखना जो भी आपका इंटीग्रल पार्ट होगा उसको 10 का पावर में भेज देना, 10 का पावर में उसको भेज देना, ठीक है। और आप एंटी लॉग निकालोगे आप इस पार्ट का, यानी हमको निकालना एंटी लॉग किसका है, 0.5635 का, जो इंटीग्रल पार्ट है उसको भेज दिया 10 का पावर में, ठीक है। और हम 0.5635 का हम एंटी लॉग निकालेंगे, हम एंटी लॉग निकालेंगे, ठीक। अब ध्यान ना, जो 0.56, ठीक है, देखो वहाँ पे ध्यान से
आपको 0.5635 का एंटी लॉक पता करना है, तो इसका पहला दो डिजिट क्या है, 0.56 है। तो आपको ध्यान रहा, इस एंटी लॉक टेबल में आपको इस एन लिखा हुआ ना, इस कॉलम में ढूंढना है कि 0.56 कहाँ पे है, तो 0.56 मेरे को यहाँ मिल गया, ठीक है। अब इसका इस 0.56 के बाद जो थर्ड डिजिट है वो क्या, ध्यान देना, वो 3 है। अब देखना कि थर्ड जो इस रो में, यहाँ पे देखो थर्ड है, तो थर्ड के कॉलम में और 0.56 के रो में कौन सा नंबर मेरे को मिल रहा है, तो मेरे को मिल रहा है 3656 मिल रहा है। तो उसको हम लिख लेंगे 3656, ठीक। सिमिलरली ध्यान दोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फोर्थ डिजिट है, फोर्थ डिजिट क्या है आपके पास है, 5 है। जो चौथा डिजिट क्या है, 5 है। तो आपको 5 का यूज क्या करना, तो बोला गया देखो इस रो में यहाँ पे इसको बोलते हैं मीन डिफरेंस का कॉलम, यानी रो मीन डिफरेंस के रो में जो 5 है उसको फोकस करना, 5 और 5 वाले कॉलम में और 0.56 वाले रो में नंबर क्या है, तो नंबर 4 है। इस 4 को लेके यहाँ पे डाल देना और 4 को ऐड कर देना। तो उसको ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 6 और 4 एडिशन क्या हो, 10 होगा। तो यहाँ पर 6 ले लेंगे, 6 लेंगे, 3 ले लेंगे, यानी ये हो जाएगा एंटी लॉक 0.5635 का। लेकिन ध्यान देना, इसमें मेरे को डेसिमल लगाना है, तो डेसिमल लगाओगे यहाँ पे 1 डिजिट के बाद, यानी डेसिमल जो इसमें हम लगाएंगे वो फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल हम लगाएंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगा 3660, ठीक है। यानी इस नंबर का एंटी लॉक जो हम निकाल रहे हैं ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3660 × 10^6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको एंटी लॉक टेबल का आपको यूज करना आना चाहिए, ठीक। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बच्चा। सर यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट क्यों लगा, उसके पहले क्यों नहीं लग सकता? उसके पहले क्यों नहीं लग सकता, ध्यान देना, इसका आपको रीजन मिलेगा लॉग में, ठीक है। जब आप लॉग निकाल रहे थे तो देखो जो एंटी लॉग है वो लॉग का रिवर्स कर रहा आप, ठीक। तो आप ध्यान देना, जब भी आप जैसे मान लेते हैं कि मान लो हम लोग बात कर रहे थे तो 6 बोलते थे, अगर 6585 का मेरे को लॉग निकालना है तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे इसको हम लोग साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करते थे, तो 6.585 × 10^3 करते थे, ठीक है। अब जो ये जो पावर थ्री गया है इसको हम लोग 3 ऐसा लिखते थे, ठीक है, और प्लस हम लॉग निकालते थे इस नंबर का निकालते थे, ठीक है। तो 6.5 का लॉग जो लॉग निकल के आता था वो ऑलमोस्ट आता था 0.81 के आसपास, ठीक है। तो 0.81 के आसपास आएगा तो 3.81 होगा, तो ये हो गया इसका लॉग, ठीक है। अब ध्यान दें, अगर इसका लॉग इतना आ रहा है तो एंटी लॉग, अगर इसका एंटी लॉग निकालोगे ना, इसका एंटी लॉग अगर निकालोगे तो सेम आना चाहिए। तो मैं क्या बोला कि जो 3 है, जो इंटीग्रल पार्ट है उसको भेज दो आप 10^10 में, तो चला जाएगा 10^10 में, ठीक है। और 0.81 किसका एंटी लॉग होता है, तो 6.5 का होता है। तो ऑलमोस्ट देखो वैल्यू सेम आ रहा है, ऑलमोस्ट देखो वैल्यू सेम आ रहा है। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 6500। तो इतना चलता है, इतना आपका अप्रोक्सीमेशन चलेगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं जो आप इस देखो एक पॉइंट के बाद जब आप लॉग निकालते हो, तो देखो लॉग जब निकालो किसी नंबर का, तो अगर आपका नंबर 1 से बड़ा हो 10 से छोटा हो, उसका जब लॉग निकालते हो तो पॉइंट के बाद आप लिखते हो। तो सिमिलरली आप जब पॉइंट के बाद जब आप एंटी लॉग निकालोगे तो एक डेसिमल आगे आपको लिखना है, ठीक है। बात समझ में आया रिश्ता? यस सर, ठीक है। तो आप चूंकि लॉग का उल्टा करो, बस एंटी लॉग कुछ नया नहीं है। जैसे मान लो ना आप स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर का रिवर्स करते हो, रूट होता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे लॉग का हम रिवर्स करें, एंटी लॉग का मतलब क्या, तो लॉग का रिवर्स करना, ठीक है। अब ध्यान दोगे, ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ चुका है। एक और मैं नंबर आपके सामने ले रहा हूँ। आप लोग को मैं क्या बोला था कि नेगेटिव नंबर का आप लॉग नहीं निकाल सकते हो, लेकिन आप एंटी लॉग निकाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि लॉग का वैल्यू नेगेटिव आता है। जैसे मान लेते हैं कि लॉग
आप लोग पॉइंट वाले नंबर का लॉ लोगे तो नेगेटिव आया था लास्ट क्लास में, आप चेक किए थे, तो आप नेगेटिव नंबर का लॉ नहीं निकालोगे बट नेगेटिव नंबर का आप एंटी लॉ निकाल सकते हो, नेगेटिव नंबर का आप एंटी लॉ निकाल सकते हो। तो मान लेते हैं कि आपको फंसाने में एक नंबर दे रहा हूँ जिस जो नेगेटिव है, मान लेते हैं माइनस थ्री पॉइंट ठीक है फाइव टू ठीक 3.52 और हमसे इससे पूछा गया कि इसका एंटी लॉग निकालना, कैसा एंटी लॉग निकालना है। तो पहला देखो, पहला अप्रोच क्या होगा, तो जब भी आपके पास नेगेटिव नंबर होगा तो आप एंटी लॉग कैसे निकालते हो, तो ध्यान देना। अब फर्स्ट काम क्या करोगे आप, ये चीज ध्यान देना, इसका दो पार्ट है ठीक है, इसका दो पार्ट देखोगे तो एक पार्ट माइनस थ्री है और एक पार्ट माइनस पॉइंट फाइव टू है। तो आप जब मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो मैथमेटिक्स में एक रूल होता है, रूल क्या होता है, रूल क्या बोलता है कि फ्रैक्शनल फ्रैक्शन पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर आपसे मैं पूछूं, आपसे मैं अगर पूछूं इस नंबर का फ्रैक्शन पार्ट क्या है, तो अगर बोलो कि माइनस फाइव पॉइंट टू और बोलते तो गलत हो जाएगा, कि फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है, हमेशा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे बोलेगा कि इस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, तो अगर आपका आंसर माइनस पॉइंट फाइव टू बोलोगे तो आप गलत बोल रहे हो। तो इसको इसका आंसर सही क्या होता है, ध्यान देना, हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस वन और यहाँ पे प्लस वन कर देंगे, मतलब माइनस वन उसमें ऐड भी कर रहे हैं और प्लस वन उसमें सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, मतलब सिंपली है जितना हम ऐड करेंगे उतना ही क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं ठीक है। तो इस नंबर को हम ऐसा ले सकते हैं क्या, इस नंबर को अगर आप देखोगे तो ये माइनस फोर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा प्लस पॉइंट फोर एट हो जाएगा ठीक है। यानी हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि माइनस थ्री जो थ्री पॉइंट माइनस थ्री पॉइंट टू थ्री पॉइंट फाइव टू जो नंबर था उसको आप ऐसा लिख सकते हो माइनस फोर एन प्लस पॉइंट फोर एट ठीक है, इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो जब भी कोई नेगेटिव नंबर होगा उसको हमेशा ऐसा चेंज करना है कि उसका फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव हो जाए, उसका फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव हो जाए ठीक। अब आप इसका एंटी लॉग निकालोगे, आप इसका एंटी लॉग निकालोगे ठीक। यहाँ जो माइनस फोर है इसको कर दोगे आप टेन का पावर में ठीक, और पॉइंट फोर एट का आपको निकालना है, पॉइंट फोर एट का निकालना है। तो अगर आपको याद होगा तो आपको पता है कि थ्री का लॉग, लॉग थ्री का वैल्यू कितना होता है, लॉग थ्री का वैल्यू होता है पॉइंट फोर एट, तो पॉइंट फोर एट का एंटी लॉग कितना होगा, तो ये थ्री होगा। तो हम लोग उतना नहीं सोच के डाटा अप्लाई कर सकते हैं ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगा कितना, थ्री इंटू टेन पर माइनस फोर हो जाएगा, यानी इस नंबर का जो एंटी लॉग होगा वो हो जाएगा कितना, थ्री इंटू टेन पर माइनस फोर हो जाएगा ठीक। एक और नंबर आपके लिए लेता हूँ मैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं माइनस फोर पॉइंट सिक्स फाइव ठीक है, सिक्स फाइव नहीं करते, मान लेते हैं कि हम कर रहे हैं आपके पास माइनस थ्री माइनस फोर पॉइंट फोर फाइव कर लेते हैं ठीक है, फोर फाइव एट फोर फाइव कर लेते हैं ठीक है। इसका अगर हम एंटी लॉग निकालें तो हम क्या करना पड़ेगा, मेरे को माइनस वन यहाँ पे ऐड, माइनस वन यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे प्लस वन कर देंगे, तो इसका वैल्यू इसको आप ऐसे लिखते हो माइनस फाइव प्लस पॉइंट फाइव फाइव। अब जो माइनस जो फाइव हुआ है उसको कर दें टेन का पावर में, और ये जो पॉइंट फाइव फाइव है इसमें दो जीरो में ऐड कर लेते हैं, इसको हम फोर डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे। अब जो पहला जो पार्ट है नहीं, जो पॉइंट फाइव फाइव है उसका इस रो में कहाँ पे है, तो यहाँ पे है ठीक है। फिर जीरो जीरो है, तो जीरो का जो कॉलम है, जीरो कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम होगा यहाँ पे होगा, और जीरो में तो कुछ होता नहीं है, यानी मीन डिफरेंस के रो में जीरो तो है नहीं, तो उसमें कुछ हमें करना नहीं, यानी वो क्या होगा, तो थ्री थ्री फाइव फोर एट होगा, थ्री फाइव थ्री फाइव फोर एट होगा, तो थ्री फाइव फोर एट हम लिख लेंगे और डेसिमल हम ऐड करेंगे यहाँ पे, यानी इस नंबर का जो एंटी लॉग होगा वो हो जाएगा थ्री पॉइंट फाइव फोर एट इंटू टेन पर माइनस फाइव, इसका एंटी लॉग हो जाएगा ठीक है। इससे सब लोग नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग निकालते हो ठीक है। तो पूरा का पूरा जो एंटी लॉग हम निकालना सीखे हैं ये हम लोग टेबल का यूज करके निकालना सीखे हैं
ठीक है। अब ध्यान देना, पॉइंट ये है कि शॉर्टकट को हम कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अपना अगला फोकस रहेगा कि शॉर्टकट को कैसे अप्लाई करना है, ठीक। तो ध्यान देना, हाउ टू फाइंड एंटी लॉग ऑफ एनी नंबर यूजिंग शॉर्टकट, ठीक है। और ध्यान हो गया, उदाहरण ना, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे पता करना है एंटी लॉग इसका 6.4892 का पता करना मान लेते हैं, ठीक है। तो तरीका क्या है, आप क्या करना, जो डेसिमल पार्ट है इसको दो डिजिट में राउंड ऑफ कर देना, टू डिजिट में राउंड ऑफ कर दोगे। इस पार्ट को आपको राउंड ऑफ करना है अप टू टू डिजिट, ठीक है। ध्यान देना, ये हो जाएगा 6.49 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दोगे, जो 6 होता है जो इंटीग्रल पार्ट, उसको क्या उसका क्या करोगे, सुबह दो 10^6 में, वो 10^6 हो जाएगा। और आपको एंटी लॉग निकालना किसका है, आपको निकालना है 0.49 का, 0.49 का एंटी लॉग निकालना है। आपको इतना पता होना चाहिए कि 3 का लॉग होता है 0.48 और 4 का लॉग होता है 0.60, तो कहीं ना कहीं 0.49 जो है वो 3 के पास है। तो इसका जो एंटी लॉग होगा 0.49 का, 3.1 के आसपास होगा, इसको हम 3.1 के आसपास बोल सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगा 3.1 × 10^6 हो जाएगा, ऑलमोस्ट इतना होगा, ठीक है। 3.1 होगा या 3.008 होगा, उसके आसपास से वैल्यू होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको सोचना है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन आपके सामने में ले रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को निकालना है 5.8125 का हमको एंटी लॉग पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे 5 जो है, 5 उसका इंटीग्रल पार्ट है, तो आप क्या करोगे, 10^5 कर लेना, ठीक है। बचा क्या है, बचा 0.8125 बचा है, 0.8125 बचा हुआ है, ठीक। तो 0.8125 बचा हुआ है, अगर इसको आपको क्या, मैं क्या बोल रहा था कि दो डिजिट में राउंड ऑफ कर दो, तो इसको राउंड ऑफ करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जाएगा 5.81 हो जाएगा। तो 5 को तो हम 10^5 में लेके जा चुके हैं, अब 0.81 का आपको एंटी लॉग निकालना है, 0.81 का आपको एंटी लॉग निकालना है। तो आपको पता है कि 6 का लॉग होता है 0.78 और 7 का लॉग होता है 0.84, ठीक है। तो जो 6.5 होता है उसका लॉग कितना होता है, तो लॉग होता है 0.81, ठीक है। तो यहाँ पर उल्टा हम कर रहे हैं, तो 0.81 का एंटी लॉग कितना होगा, तो 6.5 होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 6.5, ठीक। सिमिलरली एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने देख रहा हूँ, मान लेते हैं कि आपके पास सामने मैं एक और नंबर लिख रहा हूँ, थ्री, ठीक है। इसका मेरे को एंटी लॉग पता करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले दो डिजिट में राउंड ऑफ करेंगे, तो उसको बोल सकते हैं 3.65 लिख सकते हैं हम, जो 3 है 3 को ले लो 10^5 में, और जो 0.65 है, जो 0.65 है उसको आप ले लो, उसका आपको एंटी लॉग निकालना है,
उसका पॉइंट लॉ नहीं कहा, तो ध्यान रखना आपको पता है कि जब फोर का लॉ होता है, फोर का लॉ होता है 0.6 और फाइव का लॉ होता है 0.7, तो 6.5 यानी आपको 4.5 का लॉ कितना होता है, तो इसका लॉ होता है 0.65। कहीं का दिख रहा होगा कि आपको 0.65 का एंटी लॉ निकालना है, तो 0.65 का एंटी लॉ क्या होगा, तो 4.5 होगा। ठीक है, इससे सब सोच सकते थे। ठीक, इसी में मान लेते हैं कि अगर मेरे पास कोई नेगेटिव नंबर होगा तो क्या करेंगे, तो अगर मान लेते हैं कोई नेगेटिव नंबर मेरे पास अगर दिया जाए, एग्जांपल -3.19, ठीक है, -3.19 दिया हुआ है और मेरे को बोला जा रहा है कि इसका मेरे को एंटी लॉग पता करना है। चेक, तो हम क्या बोले, पहले आपको करना पड़ेगा, पहले इसमें हम लोग जो डेसिमल पार्ट है उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। ठीक है, इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें सकते हैं -4 + 0.81, कैसे लिख रहे हैं, तो इस नंबर को -3 - 0.19 लिख के हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे -1 कर रहे हैं, यहाँ पे +1 कर रहे हैं। ठीक है, इस नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो, यानी नंबर अल्टीमेटली आप लिख सकते हो -4 + 0.81 लिख सकते हो। ठीक, अब ध्यान देना, अब इसे जब एंटी लॉग निकालोगे तो -4 को आप क्या करोगे, 10 का पावर में ले लेना। ठीक है, और जो 0.81 है, जो 0.81 है वो किस, उसका एंटी लॉग क्या होगा, तो वो पता है कि 6 का लॉग होता है 0.78 एंड 7 का लॉग होता है 0.84, 6.5 का लॉग होता है 0.81, उसका उल्टा हो रहा है, यानी 0.81 का एंटी लॉग क्या होगा, 6.5 होगा, इसको बना लीजिए तो 6.5, यानी इस नंबर का एंटी लॉग आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ तक मैं कोई डाउट आप लोगों को, बच्चों लोग आशी कोई डाउट बच्चा आपको, ठीक है, अदिति नो सर नो डाउट, ठीक है, ऋषिता कोई डाउट बच्चा आपको, नो सर, ठीक है, चलो कोई डाउट नहीं है तो आप लोग क्या करोगे, कुछ क्वेश्चन का एंटी लॉग निकालोगे आप। ठीक है, और आप लोग शॉर्टकट मेथड यूज करोगे, आप लोग शॉर्टकट मेथड का यूज करके कुछ नंबर्स का आपको एंटी लॉग फाइंड करना है। ठीक है, यानी आपको लॉग का वैल्यूम दे रहे हैं, आपको नंबर पता करना है, यानी उसका एंटी लॉग पता करना है।
ठीक है चलो, तो यहाँ जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आप लोग एंटीलॉग पता करोगे, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर्स पर हम लोग फोकस करते हैं, आप लोग अपना आंसर वेरीफाई कर लेना, ठीक है। इस नंबर का एंटीलॉग क्या होगा, तो 10 का पावर क्या होगा, 6 होगा। इसको दो डिजिट में अगर राउंड ऑफ होते हो जाएगा 3.36 हो जाएगा, ठीक है। और 0.36 किस का एंटीलॉग क्या होगा, तो 2 से कुछ बड़ा होगा, ठीक है, और 3 से कुछ छोटा होगा, तो ऑलमोस्ट क्या होगा 2.35 के आसपास होगा, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली ध्यान देना 3.7456, ठीक है। इसको राउंड ऑफ कर दो, डेसिमल पार्ट को राउंड ऑफ करोगे टिल टू डिजिट में तो क्या होगा 0.75 के आसपास होगा। इसका एंटीलॉग क्या होगा, 10 का पावर 3, और 0.75 का जो वैल्यू होगा ऑलमोस्ट होगा 5.5 से कुछ बड़ा होगा, ठीक है। तो 5.6 के आसपास उसको लिख सकते हो, 5.6 के आसपास उसको लिख सकते हो, ठीक। सिमिलरली 9.87 को ऑलमोस्ट आप क्या लिख सकते हो, तो 9.87 लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका जो एंटीलॉग होगा 10 का पावर क्या होगा, 9 होगा। 10 का पावर क्या होगा, 9 होगा, और 0.87 किसका का एंटीलॉग क्या होगा, तो हो जाएगा 7.5 के आसपास, ठीक। 4.6532 का वैल्यू अगर देखोगे तो 4 को भेजोगे 10 का पावर में, एंड 0.65 का एंटीलॉग क्या होगा, तो हो जाएगा 4.5 के आसपास होगा, ठीक। 5.5692 का जो वैल्यू है तो 5.6 को आप ऑलमोस्ट लिख सकते हो, 5.57 लिख सकते हो। तो जो इंटीग्रल पार्ट है जो 5 है उसको भेज देंगे 10 का पावर में, एंड 0.57 का एंटीलॉग क्या होगा, तो हो जाएगा 3.7 या 3.8 के अराउंड होगा, एंड 3.75 आप लिख सकते हो, ठीक। -3.10 जिसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिखो -4 + 0.9, तो -4 को भेजेंगे 10 का पावर में, और 0.9 का डिलो होता है 8, इसका वैल्यू हो जाएगा 8 × 10⁻⁴, ठीक है। सिमिलरली -5.30 को आप कैसे लिख सकते हो, तो -3 - 6 + 0.7, तो -6 को भेज दोगे 10 का पावर में, एंड 0.7 को क्या लिख सकते हो आप, तो 0.7 किसका एंटीलॉग होगा, यानी 0.7 का जो एंटीलॉग होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5, ठीक है। ध्यान देना इस नंबर को आप लिख सकते हो कितना, -7 + 0.75 के आसपास लिख सकते हो, तो -7 जाएगा 10 का पावर में, एंड 0.75 जो है उसका एंटीलॉग कितना होगा, ऑलमोस्ट होगा 5.6 के आसपास, ठीक है। सिमिलरली जो नंबर आपके पास दिख रहा है -7.6123, इसको आप ऑलमोस्ट लिख सकते हो -8 + 0.39 + 0.39, ठीक है। तो -8 × 10 का पावर में, एंड 0.39 का एंटीलॉग कितना होगा, तो ये 2.5 के आसपास होगा, कितना होगा 2.5 के आसपास होगा, ठीक। नेक्स्ट नीचे है -8.26, इसको लिख सकते हो आप -9 + 0.74, -9 को भेजोगे 10 का पावर में, एंड 0.74 का एंटीलॉग कितना होगा, तो होगा 5.5 के अराउंड होगा, ठीक। नेक्स्ट नंबर है -3.13, इसको आप लिख सकते हो -4 + 0.87, अब इसका एंटीलॉग निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो -4 है इसको भेजोगे 10 का पावर में,
टेन का पावर भेजो तो क्या टेन पावर माइनस फोर होगा, प्लस प्लस पॉइंट एट सेवन, प्लस पॉइंट एट सेवन कैंडी लॉक कितना होगा, ये हो जाएगा 7.5 के आसपास। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को? बच्चे इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। सर -6.3502 में सर इसका होगा -7.65। हाँ ठीक है ठीक है, थोड़ा सा चेंजेज चाहिए इसमें होगा, आप सही बोल रहे हो, इसमें थोड़ा चेंजेज होगा। ठीक है, तो -6.35 को ले सकते हैं हम लोग, कितना -7+0.65 ले सकते हैं। ठीक है, 4.5। हाँ तो यहाँ पे 4.5 हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। ठीक है, और कोई देखो कहीं चेंज है क्या? ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? सर ठीक है, बाकी लोग ठीक है? आशी ठीक है? बच्चा ऋषिता ठीक है? यस सर। सोम ठीक है? बच्चा ठीक है? तो हम लोग का ये एंटी लॉग निकाला हम लोग सीख गए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट।